भोजपुरी सितारों की पूछ बिहार और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इसकी वानगी देखने को मिली जब दुबई की गिफ्ट सिटी में हजारों की संख्या में लोग जमे थे जो रोजी रोटी की तलाश में घर छोड़कर दूसरे देश में रह रहे हैं। भोजपुरी की आइटम गर्ल सीमा सिंह को देखने हजारों की भीड़ जुटी थी। अपना देश और अपनी माटी की खुशबू के लिए भोजपुरी की आइटम गर्ल सीमा सिंह से मिलने के लिए दुबई के गिफ्ट सिटी में हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जुटे थे। लोगों के मनोरंजन के लिए भोजपुरी गाने बजाए जा रहे थे। हर कोई भोजपुरी फिल्मों की आइटम क्वीन सीमा सिंह का इंतजार कर रहा था। लोगों का इंतजार तब खत्म हुआ जब पिंक ड्रेस में सीमा सिंह स्टेज पर आईं। सीमा ने माइक थामा और भोजपुरी भाषा में सभी लोगों से हालचाल पूछा। काफी अरसे बाद किसी स्टार के मुंह से अपनी बोली सुनने पर दर्शक रोमांचित हो गए। सीमा ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और पास जाकर फोटो खिंचवाई। सीमा खुद भी इस लम्हे को अपनी यादों से सजो कर रखना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने फैंस के साथ दर्जनों सेल्फी ली। सीमा यहाँ यूपीएन बिहार नाम के एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने आई थी। ये रेस्टोरेंट बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के पसंद को ध्यान में रखकर खोला गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।